प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हॉट सीट छिंदवाड़ा विधानसभा बनी हुई है। यहाँ पर कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले की सातों विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जिनके विरुद्ध भाजपा ने अपना प्रत्याशी पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके पहले भी कमलनाथ और विवेक बंटी साहू पिछला विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर बंटी साहू लगभग 24,000 मतों से पराजित हुए थे। यहां पर अब भाजपा संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले ही चुनावी दौरा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा विधानसभा में घेरने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी कल छिंदवाड़ा आ रहे हैं। अब देखना है कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके घर में भाजपा शिकस्त दे पाती है या फिर कमलनाथ अकेले पूरे भाजपा संगठन पर भारी होंगे। इलेक्शन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। EMS TV ने इस मौके पर छिंदवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं से चुनावी चर्चा की। विधानसभा चुनाव की जंग जारी हो चुकी है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके गोलगंज में। चुनाव में प्रत्याशियों ने कमर कस ली है चुनावी जंग जीतने के लिए। सत्ता की सीढ़ी इन्हीं बाजारों से होकर गुजरती है। आइए जानते हैं कि जनता क्या कहती है। कमलनाथ जी की उम्मीद है, शुरू से वही आ रहा है। कारण क्या लग रहा है? कारण क्या भाई, कमलनाथ जी का लग रहा है। अपने को यही लगता है कि भाई इस बार फूल जीतेगा। कमलनाथ जी की लहर चल रही है। कमलनाथ जी की लहर चल रही है। भाजपा की लहर? भाजपा में प्रधानमंत्री जी की चल रही है। आप छिंदवाड़ा से किसको देखते हैं? छिंदवाड़ा से तो कमलनाथ जी को। सर, बाजी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। दोनों पार्टी अपना जोर आजमाइश कर रही है, बाकी जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किसको वोट देना चाहे। वैसे कमलनाथ जी का भी अच्छा काम है, बंटी साहू भी एक नया युवा नेता है, वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं, चाहे तो वो भी जीत सकते हैं। बाकी दोनों पार्टी अच्छे जोर आजमाइश कर रही है। 35-40 साल से कमलनाथ चल रहे हैं, उनने अपनी छवि बनाकर रखे हैं। उसको बाद भी विश्वास नहीं कर सकते। आज अगर जनता का मूड है, आज भाजपा भी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया क्या? अब ये तो समय का वक्त लगाएगा, जनता के ऊपर निर्भर करता है। वो तो मोदी कारण भाजपा की लहर रहती, क्योंकि मोदी के बहुत सारे कारनामे और बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। अभी विधानसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू जी और मुख्यमंत्री जी सामने, तो आपको क्या लग रहा है दोनों में? नहीं, भाजपा ही आएगी। वो आप भाजपा को देखना चाह रहे हैं विधानसभा? और वो थोड़ा सा क्या, कमलनाथ का गढ़ है तो मुश्किल रहता है, लेकिन भाजपा की उम्मीद है आने की। भाजपा की योजनाओं से आप खुश नहीं है? नहीं, तो हमको 1,000 वाला मिले नहीं तो किसको तरफ ध्यान नहीं है बताओ आप। हमारा आदमी इतना ज्यादा सीरियस था, हमारा कोई भी मदद नहीं कर रहा। हमने 20% 30% का रुपया लगा के और हमारे आदमी को बचाए। गए पंजा वाले पास भी है, फूल वाले पास भी है, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब बस कर रहे हैं, खा रहे हैं, यही है। वैसे कॉम्पिटिशन रहेगा उसमें, थोड़ा 10-20 हज़ार से ही जो होगा, 10-15 हज़ार। 20 हज़ार का अंदर किधर आएगा, कांग्रेस में या भाजपा में? ये कांग्रेस में आ सकता है, कांग्रेस जीतने की उम्मीद है, जीत सकती है। वैसे तो अपन यानी दोनों पक्ष के हिसाब से कमलनाथ जी। वैसे व्यापारी दृष्टि से आप किसको देखते हैं? व्यापारिक दृष्टि से भैया हम देखते हैं कांग्रेस जीतना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी के वैसे तो जो अपने क्षेत्र के हिसाब से अपन देखते हैं कमलनाथ जी को। मेरे हिसाब से बंटी साहब को जीतना चाहिए, जैसे कि वो स्थानीय व्यक्ति है और कोरोना काल में भी उसने बहुत मदद की है और अभी भी जो लोगों की मदद कर रहे हैं बंटी साहू। किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, बंटी साहू के पास अगर आप आवेदन लेके जाएंगे तो उसकी उन समस्याओं का समाधान वो जरूर करते हैं। कमलनाथ जी का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा?
कमलनाथ जी की गढ़ माने जाने से कुछ नहीं होता, उन्होंने 35 साल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर 35 साल में मुझे मौका दिए तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं भी कर सकता हूँ इससे अच्छा काम। दोनों प्रत्याशी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, जीत हार तो ये डिपेंड करती वोटर्स पे, और वोटर्स सही डिसीजन तभी लेगा जब अपना विवेक से काम करेगा। और मैं एक ही सलाह दूंगा कि वोटर्स को अपने विवेक से काम करते हुए, जो अपनी आंखें खुली रखते हुए, अपना दिमाग खुला रखते हुए एक डिसीजन करे और अपने कीमती वोट का उपयोग करे। लगभग 42 सालों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से जीतते हुए आ रहे हैं और जनता को उम्मीद तो है कि कमलनाथ जी जीतेंगे ही। अब पब्लिक के मूड का कुछ भरोसा नहीं है, ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कमलनाथ जी के सामने बंटी एंटी कहीं लाइन में थोड़ी लग रहा है यार, बंटी जी लाइन में नहीं लगते उनके आगे। ऐसा क्यों? विकास कर रहे हैं यहाँ कमलनाथ जी। जहाँ तक कमलनाथ जी वाली बात है तो कमलनाथ जी ने जितना उम्र है का विवेक बंटी साहू की, उतने सालों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो काम उनने किए हैं वो छिंदवाड़ा की पूरी जनता जानती है। तो स्वाभाविक रूप से इस बार जनता ने मन बना लिया है और बहुत बड़ा रिजल्ट जिसको देखकर पूरा देश अचंभित होगा, ऐसा रिजल्ट छिंदवाड़ा की विधानसभा में आएगा। लालजी बहना और ये सब किए, चुनाव 18 वर्ष से शासन में रहे, अभी तक ये सोते रहे क्या? अभी ये चुनाव के 6 महीने 5 महीने पूरी सब चालू कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब चुनावी रेवड़ी बढ़ रही है, मेरा समस्या तो ऐसा मुझे लग रहा है। परिणाम ये होगा कमलनाथ जीतेंगे और 90% बीजेपी वोट देगी। माहौल देखिए, माहौल बनने से कुछ नहीं होता ना, माहौल तो हर किसी का बनता है। पैसा है, जनधन वाला काम है, पैसा फेंको तमाशा फेंको। दोस्तों ये थी छिंदवाड़ा के हृदय स्थली विधानसभा चुनाव के लोगों का रुझान ये था। अब देखना यह है कि चुनाव में होता क्या है, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, मैं पंकज दुबे कैमरा पर्सन संतोष के साथ, नमस्कार।